जय मां शूलिनी की जय। कई नेताओं ने इंदिरा जी की जिक्र किया। इंदिरा जी का हिमाचल प्रदेश से बहुत लगाव था, यहाँ के पहाड़ों हिमालय पर्वतों का उनके साथ एक, मैं कह सकती हूँ, एक आध्यात्मिक जुड़ाव था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि जब वे शहीद हुए उससे कुछ समय पहले, शायद उनको मालूम था कि शहीद होने वाली हैं, कुछ समय पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को एक पत्र में ये लिखकर कहा कि मेरी अस्थियां सिर्फ संगम में नहीं विसर्जित करना, वहां जरूर करिए, लेकिन कुछ अस्थियां हिमालय के पर्वतों पर भी बिखेर देना। और उनकी शहीद होने के बाद मेरे पिताजी ने ये उनकी इच्छा पूरी की। तो ये जो हिमालय के पर्वत यहां से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है तो उस बर्फ में घुली हुई इंदिरा जी की अस्थियां भी हैं। मैंने जब यहां घर बनाया शिमला के पास मशोबरा में, तो इसीलिए बनाया क्योंकि इंदिरा जी की एक छोटी सी निजी ख्वाहिश थी। उनका ये सपना था, उन्होंने हमें बहुत बार कहा कि जब मैं रिटायर होंगी तो मैं मशोबरा में एक घर बनाना चाहती हूं और वहीं पे मैं रिटायर होंगी। लेकिन रिटायर होने से पहले ही वो शहीद हो गई। वो बताती थी कि 25 जनवरी 1971 में जब हिमाचल का प्रदेश बना, तब वे यहां आई आप सबसे बातचीत करने के लिए, तो भारी बर्फ पड़ी थी और बोलते बोलते सभा के दौरान भी बर्फ पड़ रही थी, लेकिन ना आप हिले ना इंदिरा गांधी हिली। और उन्होंने हिमाचल को प्रदेश इसलिए बनाया क्योंकि वो आपके हुनर को, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को पहचानती थी। अक्सर कहती थी कि आपकी हिम्मत, आपका हौसला पहाड़ जैसा विशाल है। जब हिमाचल प्रदेश बना तो उन्होंने शुरुआत की, शिमला में आकर सभा में ऐलान किया कि यह प्रदेश बनेगा। बहुत लोगों ने आलोचना की, उसमें कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में भी हैं, उस समय बहुत आलोचना हुई कि यह प्रदेश बना तो दिया इन्होंने, ये चलेगा कैसे, पैसा कहां से आएगा, आगे कैसे बढ़ेगा ये प्रदेश। लेकिन इंदिरा जी पीछे नहीं हटी। वो इसलिए पीछे नहीं हटी क्योंकि वो आपके हौसले को, आपके हुनर को पहचानती थी, उसका सम्मान करती थी। उनको मालूम था कि ये प्रदेश आप चलाएंगे, कि इस प्रदेश को आप बनाएंगे। और उसी तरह से जो पहले मुख्यमंत्री जी वाईएस परमार जी थे, उन्होंने आपकी सहायता के साथ, आपके सहयोग के साथ ये प्रदेश बनाया। इस प्रदेश को किसने बनाया? सिर्फ किसी एक पार्टी ने नहीं, एक सरकार ने नहीं, इस प्रदेश को यहाँ के कर्मचारियों ने बनाया, इस प्रदेश को यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से बनाया, यहाँ की महिलाओं ने बनाया जो दिन रात काम करती हैं, इस प्रदेश को यहाँ के वीरों ने बनाया जो सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हैं और यहाँ पर अपनी आमदनी भेजते हैं। ये प्रदेश आपका है। तो आज ये चुनावी सभा नहीं है, ये एक सोचने का समय है, मंथन करने का समय है कि ये प्रदेश जो आपने बनाया, आगे बढ़कर इसका क्या होगा। जिन लोगों की मेहनत के बल पर आज इस प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर की कुछ सुविधाएं हैं,
सड़कें बनी, विकास हुआ, ये आप सब ने किया। अब आपके भविष्य को क्या होगा, ये समय है कि आप इसके बारे में सोचें।